जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विद्यादीप सैनिक स्कूल। आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ श्री एस के वर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, यूपी कैडर उपस्थित हैं, जिनका एक लंबा टेन्योर प्रशासनिक सेवा में रहा है। तो आज हम लोगों को वो बताएंगे कि किस तरीके से देश हित में उन्होंने कार्य किया है, उनकी लाइफ जर्नी क्या रही है, तथा आज के युवाओं तथा पेरेंट्स के लिए भी ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें वो आपका मार्गदर्शन करेंगे किस तरह से आप आईएएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस विषय में हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन विद्यादीप थैंक सैनिक स्कूल। यू वेरी मच। और बहुत सुंदर कैंपस में मैं बैठा हुआ हूँ और आई एम फीलिंग हैप्पी एंड प्राउडी टू बी हियर। सर, सबसे पहले तो हम आपके लाइफ एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे। लाइफ एक्सपीरियंस तो ये है कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय दिमाग में कहीं भी यूपीएससी या कलेक्टर या एसडीएम ये चीज़ें नहीं आती थी। ये धीरे धीरे करके आई। उस समय तो इंजीनियर या डॉक्टर दो की तरफ लोगों का रुझान था। धीरे धीरे जब आदमी परिपक्व होता है, चलता है, देखता है सराउंडिंग को, तब तो वो महसूस करता है कि यस, देयर इज ए सर्विस जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती है और जिसके हाथ में नीति निर्धारण के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी है और एक पावर भी है जिसको के लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उसको जिया है उस चीज को। सर, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका जो मूल निवास था ये झंझारपुर गांव से है, तो एक ग्रामीण परिवेश से होते हुए फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में कहाँ से आया सिविल सर्वेंट के लिए? ग्रामीण परिवेश से मैं जरूर था लेकिन मेरे फादर सर्विस में थे और उनके साथ रहने का मौका भी मिला। और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद हम बाहर चले गए इंजीनियरिंग करने, तो बस पिक्चरों में देखते थे कि यार इंजीनियर साहब जो है जीप में चलते हैं, हमारा भी वही अल्टीमेट वो था। हाँ, हम लोगों को अगर उस समय कहीं हमें साबका पड़ता किसी एसडीएम के पास जाने का या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने का, तब हमें महसूस होता कि यार या यस दिस इज द अल्टीमेट थिंग कि हमें उसके लिए अपने को टारगेट करें। अगर यही क्लाइमेट या यही एटमॉस्फेयर मुझे भी बचपन में मिला होता तो हो सकता है बचपन से ही या जब मैं 8-10 साल का होता तभी मैं ये देखने सोचता या देखता कि हाँ, ये एसडीएम साहब आए हैं, इनकी गाड़ी आई है, जीप आई है, और भाई इनके साथ दो दो सिपाही भी हैं। और मैं शायद पूछता फिर उस समय कि यार व्हाट इज दिस सर्विस, व्हाट इज द चार्म ऑफ द सर्विस। सर, जैसे हम इधर विद्यादीप सैनिक स्कूल में पेरेंट्स से डील करते हैं, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि वो क्लास 5th से 6th से कब से अपने बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, या स्कूल उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है उनकी तैयारी में? स्कूल उनको मेंटल प्रिपेयर करने के लिए ही थोड़ा तैयारी कर सकता है। आप अपनी क्लास में कभी किसी ब्यूरोक्रेट को बुला लीजिए, कभी अगर आपको मौका लगे तो अपने बच्चों के ग्रुप को ले जाकर एसडीएम साहब का दफ्तर दिखा लाइए, सराउंडिंग दिखा लाइए, एसएचओ साहब को दिखा लाइए, पुलिस पुलिस स्टेशन में ले दे के जाइए बच्चों को, देखे वो क्या है, वहाँ पर कैसा महसूस करते हैं। अब उसके लिए कोई मने नहीं करता। मैं तो फिर कहूँगा कि सैनिक स्कूल है, विद्यादीप सैनिक स्कूल है, अगर सैनिकों की भावना भी इसमें लानी है तो इनको आप हर 2 महीने में एक बैच बना के अपने कैंटोनमेंट को घुमाइए। इनको पता चले इनको कि ये गाड़ियों में झंडा लगा के कौन चल रहा है, जी सर, ये गार्ड जो है किसके घर पे खड़ी हुई है, किसके आने पे संगीन को सीधा करता है। तो मेरा तो यहाँ के मैनेजमेंट को भी और फैकल्टी को भी यही कहना होगा कि पढ़ने में उसकी किस प्रकार की रुचि है, उस रुचि को और डेवलप किया जाए। हो सकता है उनके परिवार में कोई फौज में बड़ा अफसर रहा है या उनके परिवार में कोई फौजी है, तो बच्चा उसकी तरफ को आकर्षित होता है। विद्यादीप सैनिक स्कूल के मैनेजमेंट को भी और यहाँ की फैकल्टी को भी बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना अच्छा कैंपस, इतना सुंदर वातावरण और इस परिवेश में जहाँ के सराउंडिंग्स में आसपास आप काफ़ी दूर दूर तक भी
फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आपने सारी फैसिलिटीज यहाँ क्रिएट की हैं। और ये कंसेप्ट तो जो सैनिक स्कूल वाला है, ये तो मेरे ख्याल से दिस इज द न्यू, वेरी न्यू कंसेप्ट कि बचपन से ही बच्चों को एक सैनिक की गरिमा के बारे में बताने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि यस द डिफेंस, यस आपके जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें भी एक आकर्षण है, और इतने सुंदर वातावरण में इतना अच्छी खुली जगह है कि आपका ये स्कूल खूब अच्छे से तरक्की करे, आसपास के गांव में, आसपास के एरिया में से लोग इस स्कूल की तरफ आकर्षित भी हों और ये भी महसूस करें कि ये स्कूल ओवरऑल बहुत अच्छा नागरिक बनाने में बच्चों को एक अपना सहयोग भी दे रहा है और एक अपनी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, जैसे अभी आप गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे थे, तो हम लोग भी उसी पर काम कर रहे हैं, एक बोर्डिंग की तरह हम लोग इसको बना रहे हैं जिसमें बच्चे का सुबह फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसके कम्युनिकेशन के लिए क्लासेस होंगी, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगी, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज में एनडीए जाना चाह रहा है या सिविल सर्विस? सर्टेनली करेंगे। क्लाइमेट जो आपका होता है या सराउंडिंग्स जो होती हैं वो आपको बहुत तेज़ी से बच्चे के दिमाग को परिवर्तित करती हैं, और अगर आपने एक सराउंडिंग उसको दी है, एक एटमोसफेयर दिया है, एक एक दिशा देने का प्रयास किया है, तो मेरा अपना मानना है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और बच्चों को इस तरह की एक ग्रुप एक्टिविटी में इंडल्ज करके, और उनको अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल की एक वो देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिले के लिए भी और इस आसपास के एरिया के लिए भी एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी योजना होगी। और सर, जैसे हम लोग पेरेंट्स से डील करते हैं तो उनका एक मुद्दा आता है कि बच्चे ज़्यादातर यूज्ड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक इस तरह के बोर्डिंग स्कूल्स की डिमांड लेके चल रहे हैं। जैसा आपने बताया कि बच्चे को 8th से वो लेके चलें, लेकिन इवन क्लास 3rd में अगर बच्चा है, 4th में बच्चा है, और तब भी वो डिमांड कर रहे हैं बोर्डिंग में बच्चे को। मैं तो कह रहा हूँ आजकल डे बोर्डिंग का कंसेप्ट तो ये चल रहा है कि 2 साल का बच्चा जाता है जी सर, उसके माँ बाप अगर सर्विस करने जाते हैं तो अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, प्ले स्कूल्स में छोड़ के जाते हैं। आप उस सुविधा को अगर इस ग्रामीण परिवेश में देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर प्रयास है। और अगर बोर्डिंग में बच्चा ग्रो अप करेगा, एक सामूहिक दायित्व के साथ ग्रो अप करेगा, वो एक अच्छा नागरिक बनने का शुरू में ही उसको फाउंडेशन मिल जाएगी। मैं तो पेरेंट्स से भी कहूँगा, आपसे भी यही कहूँगा कि इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था में अगर वो बच्चों को भेजते हैं तो वो बिल्कुल उस बच्चे को जीवन में सीखने का मौका भी मिलेगा, ग्रो अप करने का मौका मिलेगा, जिस चीज़ को हम लोग नहीं वो कर पाए वो भी वातावरण उसको यहाँ पे मिलेगा, और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा जवान बच्चे में परिवर्तित होते हुए हम भी देखना चाहेंगे, यहाँ का समाज भी देखना चाहेंगे। और सर, मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स चीज़ों से इंस्पायर होके या किसी दूसरे को इंस्पायर होके बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो शायद अगर जैसे बच्चा हमारे पास रहता है, वो 4 साल 5 साल जब हमारे पास में ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम लोगों को भी आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि बच्चे की स्किल्स क्या हैं, वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, वो प्रशासनिक सेवा में जा सकता है या डिफेंस में जा सकता है। सर्टेनली सर्टेनली, आप कहीं स्कूल से बढ़िया जज कोई हो नहीं सकता, और मदर फादर तो किसी को देख के प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे जी। और मैंने आपको कहा है कि एक्सपोजर देने की जरूरत होगी बच्चों को, और ये जगह है जहाँ से उसको एक्सपोजर आसानी से आप दे सकते हैं, और पेरेंट्स को बिलीव करके चलना चाहिए कि बच्चे को अगर ग्रुप में वो बच्चा ऊपर बढ़ता है, पहले क्यों 4-5 मतलब फैमिली टुगेदरनेस होती थी, पहले क्यों हम लोग मामाओं के यहाँ जाया करते थे कि छुट्टियों में वहाँ 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे जी, और सब अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते थे। तो अगर वो क्लाइमेट, वो मौसम, अब एटमॉस्फेयर अब रहा नहीं है, अब किसी को फुर्सत ही नहीं है कि गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने अपने मामाओं के यहाँ चला जाए या कहीं और चला जाए और कुछ और उसको डेवलप करे, तो अगर उसको वो चीज़ें यहाँ इकट्ठा होने की वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं,
तो हमको जरूर वो चीजें देनी चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आईएएस भी अगर बनना है आपको, तो अगर आप अकेले मेहनत करेंगे तो सफलता के चांसेस 10% हैं। अगर आप 5 या 7 लोग ग्रुप बना के मेहनत करेंगे जी, तो आपके चांसेस 60-70% तक हो जाते हैं कि इस एग्जाम को थ्रू कर देंगे। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ कि जो हर एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, जब उन्होंने ग्रुप बना के मेहनत की और एक दूसरे के विचारों को शेयर किया, समाहित किया और उसको फिर यूटिलाइज किया, तो उनमें से पता चला 6 का ग्रुप था, 6 में से 5 लोग निकल गए। ये कैंपस भी तो वही चीज करेगा जी। यहाँ बच्चे होंगे, ग्रुप में होंगे, हंसेंगे खेलेंगे, विदाउट प्रेशर होंगे, दिमाग का प्रेशर वो नहीं होगा कि वो माँ डांट रही है क्यों नहीं उठा। अरे यहाँ सब उठ रहे हैं, सबके साथ बच्चा भी उठ रहा है जी, सबको पता है कि 8 बजे स्कूल में पहुंचना है। वहां उसको लगता है वो इंडिविजुअल हो जाता है घर में, तो यहाँ पे आएंगे एक अच्छी एटमोसफेयर मिलेगा, एक अच्छा क्लाइमेट मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सैनिक स्कूल का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग लेके आए, और यहाँ के आसपास के एरिया को इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं तो अपील करूँगा सभी से कि इस जैसे ये रेजिडेंशियल स्कूल में कन्वर्ट होता है, अपने बच्चों को यहाँ लाए डालें और उसको एक मौका दें कि ग्रुप में वो कैसे ग्रो करता है, दिमागी रूप से भी, फिजिकल रूप से भी। सर, यूपी बिहार की बेल्ट के बच्चे, काफ़ी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो कैंडिडेट हमारे इसको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि किस तरह से वो यूपीएससी के लिए तैयार करें, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? पहली चीज है डिटर्मिनेशन, दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट, तीसरी चीज है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट का चयन इन द ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी सब्जेक्ट में हो आपका इंटरेस्ट इंटरमीडिएट के बाद किस तरफ है, क्या आपको इजी लगता है। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा, उसका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, वो कहते हैं नहीं नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, और उसको जबरदस्ती कई बार प्रेशर से या वैसे उसको इंटरमीडिएट में साइंस दिलवा दी जाती है। वो गिरता पड़ता करता जरूर है, लेकिन क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, बेसिक इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो सफलता के वो आयाम नहीं छू पाता जो कि उसको जीवन में मिलना चाहिए। यूपीएससी, मैं इन्हें नहीं कहता कि बहुत टफ चीज है, लेकिन यूपीएससी के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। अगर यहाँ कई करोड़ लोग साल में ग्रेजुएटेड होते हैं तो उसमें से 2 या 3 लाख लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो यूपीएससी के रिटन एग्जाम में अपीयर हों। आपको एक संगठित प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक लेवल के 4-5 लोग मिलके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यूपीएससी में अगर कोई बच्चे का इंटरेस्ट है जाने का, तो ग्रेजुएशन के अंतिम चरण में ही उसको मन बना लेना होगा, डिटरमिन्ड होना होगा, अपना टारगेट बिल्कुल निश्चित करना पड़ेगा कि दिस इज माई टारगेट, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, रात दिन एक करूंगा, लेकिन उस टारगेट को अचीव करूंगा। ग्रुप में अगर आप तैयारी करेंगे तो योर चांसेस टू गेट द सक्सेस इज मोर देन द इंडिविजुअल। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिम एज वेल एज द मेन एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम जरूरी नहीं मानते कि आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, हम केवल आपका कॉन्फिडेंस जज करते हैं, आपकी साइकोलॉजी जज करते हैं कि किसी चीज़ को आप कितना पॉजिटिवली लेते हैं, कितना निगेटिवली लेते हैं। लोगों का रुझान पब्लिक सेक्टर की वजह
तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ तो थोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि अगर आप इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने का मौका आपको मिले और आप उसको सफलता उसमें प्राप्त कर सकें तो दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग्स इन योर कैरियर, और आपको जनसेवा का भी और अपने सेटिस्फेक्शन में भी जीने का एक अच्छा अवसर यूपीएससी देती है। मैं विद्यादीप सैनिक स्कूल की तरफ से सर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि सर ने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।